तो मास्टर स्ट्रोक में आज हम सिस्टम से गठजोड़ कर बैठे माफियाओं के दुस्साहस का विश्लेषण करेंगे। ऐसा दुस्साहस जो माफियाओं के इशारे पर पुलिस अधिकारियों की हत्या कर देता है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। शुरुआत में आपको दो तस्वीरों से कुछ और चीजों के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। एक तरफ पंजाब पुलिस है जो अपना फर्ज निभाने के लिए गैंगस्टर्स पर कहर बनकर बरस रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे। पंजाब में अपराधियों का बोलबाला गैंगस्टर कल्चर दिखाई देने लगा। पंजाब पुलिस ने कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए गैंगस्टर्स पर आज 5 घंटे तक बारूद बरसाया और 2 शूटर्स को ढेर कर दिया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, फर्ज निभाने पहुंचे ऐसे पुलिस अधिकारियों की है जिन्हें माफियाओं के खिलाफ खड़े होने पर जान गंवानी पड़ी है। बीते 24 घंटे में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या माफियाओं द्वारा हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में हुए इन 3 हत्याकांड के बारे में आपको आगे बताऊं, लेकिन पहले बात पंजाब में हुए एनकाउंटर की करेंगे। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस के सामने यह चैलेंज था कि गैंगस्टर मॉड्यूल को कैसे खत्म किया जाए, उससे निपटा कैसे जाए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हरियाणा और पंजाब के शूटर मॉड्यूल शामिल थे। पंजाब पुलिस को मूसेवाला हत्याकांड में आज एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। पंजाब के अटारी बॉर्डर के नजदीक चीचा भकना कला गांव में पुलिस की शूटर्स के साथ मुठभेड़ हुई। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर्स खेतों में बने एक मकान में छिपकर गोली बरसा रहे थे। पंजाब पुलिस के कमांडोज मकान में छिपे दोनों शूटर्स को आखिरकार ढेर कर देते हैं। मारे गए शूटर जगरूप उर्फ रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू बताए जा रहे हैं। 29 मई को दोनों शूटर्स कोरोला में सवार होकर यहां पर आए थे। पुलिस के मुताबिक रूपा ने मूसेवाला पर गोलियां बरसाई थी। एनकाउंटर में पंजाब पुलिस के 3 जवान भी जख्मी बताए जा रहे हैं। ये दोनों शूटर गैंगस्टर लॉरेंस के गिरोह से जुड़े हुए हैं। पंजाब में लॉरेंस गिरोह के खिलाफ ये एक ऐसी कामयाबी है जो शूटर्स के दुस्साहस को झटका देने वाली साबित हो सकती है। अटारी बॉर्डर के नजदीक एक गांव, गांव के खेतों में बने एक मकान में छिपे पेशेवर अपराधी और जान जोखिम में डालकर उन पर गोलियां बरसाती खाकी। ये एनकाउंटर है गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में शामिल अपराधियों का, जिस हत्याकांड से देश दुनिया में सनसनी मच गई। उस हत्याकांड में शामिल अपराधियों का हिसाब करने 20 जुलाई को निकली पंजाब पुलिस। पंजाब के अटारी बॉर्डर के नजदीक है चिचा भकना कला गांव। पंजाब पुलिस को गांव में सिद्धू मूसेवाला के हथियारों के छिपे होने की खबर मिली। घेरा डाल दिया गया, अपराधियों और पुलिस के बीच फायरिंग शुरू हो गई। जिन अपराधियों ने सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाकर कानून व्यवस्था पर गोलियां चलाई थी, उन पर पंजाब पुलिस ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इलाके को 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने घेर लिया। मौके पर एडीजीपी सहित आला अधिकारी पहुंच गए। खेतों में बने जिस मकान में मूसेवाला हत्याकांड के शूटर्स छिपे हुए थे, उस पर पुलिस ने ट्रैक्टर की आड़ लेकर गोलियां दागी। इस दौरान एनकाउंटर कवर करने पहुंची
एबीपी टीम के सहयोगी कैमरा पर्सन सिकंदर को भी पांव में गोली लग गई। सिकंदर तेज फायरिंग सिकंदर क्या क्या एक मिनट मिनट गोली लग गई लगती अपने बंदे दे सिकंदर दे गोली लग गई गोली लग। जख्मी कैमरा पर्सन को मदद देकर अस्पताल पहुंचाया गया। और एक कवरेज कर रहे थे अचानक उसे कवरेज करते सिकंदर ने एकदम झटका वजा मेरे नाल खड़ा तो मैं कोशिश की थी के भी पता नहीं क्यों यार तो फिर मैं देखा उसे कितनी दूरी पर खड़े हैं पता नहीं काफी जो 315 का फायरिंग काफी तेज हुई थी ना उस समय की बात है सर। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल इन शूटर्स पर पुलिस घेरा बढ़ाती गई। करीब 5 घंटे तक चले एनकाउंटर के बाद पंजाब पुलिस के कमांडोज ने मकान की छत से ऑपरेशन पूरा होने का ऐलान कर दिया। पहले अंदाजा ये था कि मकान के अंदर 4 शूटर्स हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन पूरा होने के बाद पता लगा कि 2 ही शूटर्स थे जिन्हें ढेर कर दिया गया है। इनमें एक था जगरूप उर्फ रूपा, दूसरा था मनप्रीत उर्फ मनु। एक मनु दूसरा रूपा, रूपा दोनों में इनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है और हुन बाकी सारे फोरेंसिक्स किए जाएंगे। हथियार कौन से थे? अजय सानू जयेश आशीष सानू मौके पे मिले हैं। एक AK-47 मिली है जी, एक .30 mm पिस्टल मिला है। 29 मई को मानसा गांव में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में ये दोनों शूटर शामिल थे। मूसेवाला पर गोली चलाने वाले अपराधियों ने एक कोरोला कार का इस्तेमाल किया था। इस कार में तरन तारन का रहने वाला शूटर रूपा और मोगा का रहने वाला मन्नू सवार थे। मूसेवाला पर गोलियां चलाने के बाद ये दोनों शूटर एक कार छीनकर भाग गए थे। बाद में वो कार मोगा जिले में मिली थी। मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 शूटर प्रियव्रत फौजी, कशिश और अंकित सिरसा को पहले ही पकड़ा था। ये तीनों शूटर हरियाणा मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। पंजाब मॉड्यूल से जुड़े शूटर रूपा और मन्नू की कई दिन से तलाशी थी। 4-5 दिन पहले रूपा और मन्नू की एक CCTV फुटेज मिली। मोगा में ये दोनों शूटर बाइक पर सवार देखे गए थे। अटारी बॉर्डर के पास वाले इलाके में इन्होंने छिपने की प्लानिंग की थी। शहर से दूर बॉर्डर के पास वाला इलाका इनको छिपने के लिए सुरक्षित लगा, लेकिन गांव के लोगों ने जब अजनबियों को देखा तो पुलिस को जानकारी दी गई। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने इन शूटर्स के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया और जान दांव पर लगाते हुए हत्याकांड में शामिल दोनों अपराधियों को ढेर कर दिया। तो देखा आपने कैसे पंजाब पुलिस अपना फर्ज निभाते हुए अपराधियों को ढेर कर रही है। कल दिन से देर रात तक पूरे देश में 3 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अपराधियों की वजह से 3 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन 3 पुलिस वालों का कत्ल हुआ है सिस्टम और माफिया की साठगांठ से। उन्हें बीच सड़क पर कैसे कुचल दिया जाता है आपको बताते हैं। हरियाणा के नूह में DSP सुरेंद्र सिंह को अवैध खनन माफिया ने रौंद डाला। रांची की सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को पशु तस्करों ने कुचल डाला। आनंद के कांस्टेबल राज किरण को एक ट्रक वाले ने कुचल डाला। सवाल यह है कि वर्दी पर यह गुंडागर्दी क्यों भारी है? इन पुलिस वालों का क्या कसूर था? वो तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। पुलिस का काम क्या होता है? माफिया और गुंडों पर लगाम लगाना, और जब पुलिस यही कर रही थी तो उन्हें कुचल कर मार डाला। तो फिर क्या गुंडे माफिया बेलगाम हो गए हैं? वो पुलिस से नहीं डरते हैं, या फिर ये पुलिस वाले सिस्टम की लापरवाही की वजह से मारे गए हैं? जैसे हरियाणा के नूह में मारे गए DSP सुरेंद्र सिंह के घर वाले पूछ रहे हैं कि उनकी मौत हो गई और बाकी किसी दूसरे पुलिस वाले को खरोच तक नहीं आई, ऐसा कैसे हो गया? इस हत्याकांड की CBI जांच की अब मांग हो रही है। देखिए आप, ये समझ नहीं आ रहा है मेरे पापा ही क्यों, और भी तो लोग थे, किसी को चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे पापा सिर्फ उनको ही उनका ही हुआ जो हुआ। चलो
मान लो डंपर चढ़ा दिया, ये कर दिया, भाई जो को गनमैन था उन्होंने क्या एक्शन लिया? जो डंपर वाला जा रहा था उनके AK-47 ओपन होते हैं, कितने आदमी ने हथियार है सरकार ने उपलब्ध करा, उन्होंने क्या क्या एक्शन? हरियाणा के नूह में मारे गए DSP सुरेंद्र सिंह के परिवार के बहुत गंभीर सवाल हैं। जैसे सिर्फ DSP सुरेंद्र सिंह ही चपेट में क्यों आए? हमले के वक्त DSP के सुरक्षा कर्मी कहां थे? सुरक्षा कर्मियों ने हत्यारों को भागने क्यों दिया? DSP के सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग क्यों नहीं की? कहीं बाकी पुलिस वाले माफियाओं से मिले हुए तो नहीं हैं? सवाल इसलिए जायज है क्योंकि पुलिस विभाग में DSP बड़ा ओहदा होता है, हमलावर भी सिर्फ दो बताए जा रहे हैं, और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि जब डंपर का ड्राइवर डंपर भगा रहा था तो DSP सुरेंद्र सिंह के साथ मौजूद बाकी पुलिस कर्मी क्या कर रहे थे? मतलब एक DSP तो मार देता है, डंपर वाला आराम से भाग जाता है, उन्होंने क्या एक्शन? उनकी भी एक जांच का संदेह घेरे में, उनकी भी डिटेल कॉल डिटेल फोन की, और जो सराउंडिंग जिसका जुडिशन SHO का है और जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके भाई साहब के जो स्टाफ से जुड़े हुए थे उनकी सब की जांच की जाए, क्या कहीं उनके तार माफिया से नहीं जुड़े हुए थे जो हमारा आज भाई हमारे से छीन दिया गया? आप रुक जाइए, जबकि वो नहीं माने और मरने मारने पर उतारू हो गए, और उन्होंने डंपर चढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने इलीगल वेपन भी दिखाए, और उसी प्रोसेस में जब उनको रोकने का अब हमारी तरफ से चेतावनी दी जा रही थी और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, अचानक से उसने स्पीड देकर और जिस तरफ DSP श्री सुरेंद्र जी मौजूद थे उस वक्त वो उनके टायर के नीचे आ गए, और उसने उन पर ये जानते हुए कि वो गिर गए हैं और चोट लग सकती है उन्होंने उनके ऊपर चढ़ा दिया। ये सब कुछ सेकेंडों में हो गया और पूरी टीम उनकी उनके साथ थी, लेकिन ये घटनाक्रम इतनी तेज़ी से अनफोल्ड हुआ कि इसमें कोई भी रिस्पांस संभव नहीं था क्योंकि कुछ सेकंड का था। पुलिस की तरफ से ये भी सफाई दी गई कि DSP सुरेंद्र सिंह अकेले ही अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के लिए चले गए थे, उन्होंने अपने मातहतों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। इंफॉर्मेशन केवल DSP साहब तक थी, ये उनके स्टाफ के नहीं मालूम है कि किसी की कॉल आई थी या रैंडम चेकिंग पे गए हुए थे। DSP श्री सुरेंद्र जी इलीगल माइनिंग में और ओवरलोडिंग के अगेंस्ट कार्रवाई लगातार करते आ रहे थे, और वो इस तरह की रेड्स पहले भी कर चुके थे, और वो इस प्रकार अकेले पहले भी जा चुके थे, तो यह कोई नई बात उनके लिए नहीं थी। काफ़ी बहादुर और दिलेर ऑफिसर थे जो अकेले ही भिड़ जाने में उनको संकोच नहीं करते थे, तो यह इन्फॉर्मेशन उनको पहले से प्राप्त थी या नहीं थी इस बारे में अभी कह पाना मुश्किल है। पुलिस ने उस डंपर को बरामद कर लिया है जिससे कुचलकर सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई, इसकी नंबर प्लेट गायब है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस डंपर का जो नंबर है वो आगे की नंबर प्लेट भी पूरी तरीके से नहीं है, इसके अलावा पीछे भी इस पे कोई नंबर नहीं दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले के अंदर इक्कर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो कि इस डंपर का क्लीनर बताया जा रहा है, लेकिन जो डंपर का ड्राइवर था वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई हैं और लगातार उसकी तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस का ये कहना है कि इस मामले के अंदर सिर्फ 2 ही लोग शामिल नहीं थे बल्कि इसमें और भी लोग शामिल थे। ABP न्यूज़ की टीम नूह के उस गाँव में भी पहुंची जहाँ ये दोनों आरोपी थे, एक का नाम है इक्कर और दूसरे का नाम है मित्तर। इक्कर हेल्पर था जो गिरफ्तार है और मित्तर ड्राइवर था। ये इक्कर का घर है और इक्कर यहीं इस घर में रहता था। इस वक्त घर के अंदर सिर्फ इक्कर की माताजी मौजूद हैं और कोई घर में नहीं है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी और इक्कर को गिरफ्तार किया। इक्कर आपका बेटा है? हाँ, बेटा मेरा। पुलिस कब लेकर गई थी इक्कर को? छोड़ दियो। अच्छा। हाँ, मेरे बेटा गेट ना लिया क्या? ये इक्कर की माता जी हैं जो ज्यादा कुछ नहीं बता पा रही हैं, इनको कुछ अधिक जानकारी नहीं है इस पूरे मामले की। कल इस गांव में पुलिस की रेड हुई थी, इसीलिए ज्यादातर लोग घरों में मौजूद नहीं हैं। गांव के लोग भी मान रहे हैं कि अवैध खनन होता है। अवैध खनन का काम चलता रहता है ना यहाँ पर? सर, ये तो बाढ़ में से चोटाला के जमाने से बंद है। जैसे घर की कोई नीम के लिए कोई काफी लालच दे देता है, ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर हफ्ता में 15 दिन में महीना में 2 महीना में निकालते रहते हैं।
निकालते रहते हैं, गांव के लिए निकालते हैं, बाहर भी नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अवैध खनन बगैर किसी मिलीभगत के हो रहा हो? और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं डीएसपी सुरेंद्र सिंह भी तो कहीं ऐसी किसी साजिश का शिकार नहीं हो गए? इतनी ईमानदारी से सारी नौकरी की है अपनी, सिर्फ 3 महीने बचे थे मेरे पापा की रिटायरमेंट के, और एकदम से चले गए। हमें भरोसा है कि बिल्कुल सही कार्रवाई की जाएगी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मित्तर गिरफ्तार हो चुका है। उसे राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया है। इस पूरे इलाके में यानी हरियाणा के नूह से लेकर राजस्थान के भरतपुर तक अरावली की पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों में जमकर अवैध खनन होता है। जाहिर है कि ये सब प्रशासन की जानकारी और मौन स्वीकृति से हो रहा होगा, क्योंकि इसके बगैर तो संभव नहीं है। इसी का विरोध राजस्थान के भरतपुर में कुछ साधु कर रहे थे, लेकिन कल इन्हीं में से एक साधु विजय दास ने खुद को आग लगा दी। ये तस्वीरें तब की हैं, तुरंत पुलिस वालों ने आग को बुझाया, लेकिन इस हादसे में साधु काफी जल गए, जिनका जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। उनकी हालत सीरियस बताई जा रही है। ये साधु संत काफी लंबे समय से इन पहाड़ियों में अवैध खनन का विरोध कर रहे थे, पिछले कई दिनों से धरना भी दे रहे थे, लेकिन सिस्टम ने कोई ध्यान नहीं दिया। और सिस्टम का ऐसा ही रवैया झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस को पहले से पता था कि पशु तस्करों का एक वाहन आ रहा है, 2 अलग-अलग जगह पर पुलिस वालों को चकमा देकर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके रात में 2 बजे एक महिला दारोगा को बहुत कम पुलिस फोर्स के साथ तस्करों से मुकाबला करने के लिए भेज दिया गया। तस्करों ने महिला दारोगा को कुचल कर मार डाला। पूरी रिपोर्ट से समझिए हुआ क्या होगा। ये रांची की वो बहादुर माँ है जिसने अपनी पुलिस अफसर बेटी को खो दिया है। ये रांची में शहीद हुई पुलिस सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो की माँ है, जो आखिरी बार अपनी अफसर बिटिया को सलाम कर रही है। माँ ने जिद की कि आखिरी बार उन्हें अपनी बहादुर बिटिया का चेहरा दिखाया जाए। संध्या के चेहरे से कपड़ा हटाया गया और फिर पहले से बदहवास माँ ने बेटी की बहादुरी को सलामी दी। यही वो पिकअप वैन है जिससे पशु तस्करी हो रही थी, क्योंकि ये तस्कर 2 जिलों की पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे। रांची में जब ये गाड़ी आई तो संध्या टोपनो को भेजा गया, लेकिन तस्कर रुके नहीं और उन्होंने सब इंस्पेक्टर संध्या के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। सूचना रात में प्राप्त हुई तो पुदाना ओपी में कि एक संदिग्ध वाहन खूंटी की तरफ से आ रहा है तोरपा से, और उस वाहन को रोकने का प्रयास पहले भी गुमला जिले में और खूंटी जिले में किया गया, लेकिन वो वाहन नहीं रुका। फिर जब सूचना प्राप्त हुई तो सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो के नेतृत्व में वाहन चेकिंग वहाँ पर लगाई गई थी कुलुंडू के पास में, जहाँ इस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु यह वाहन नहीं रुका और जो गश्ती जो वाहन था अपना उसको उसने धक्का भी मारा। उसके बाद जो है जो अपनी महिला सब इंस्पेक्टर थी उनके साथ ये हादसा हुआ, वो गाड़ी की चपेट में आ गई। लेकिन सवाल ये है कि रात में 2 बजे एक महिला अधिकारी क्यों भेजी गई? क्या संध्या टोपनो को बिना हथियार के भेजा गया? क्या संध्या के साथ पर्याप्त पुलिस बल नहीं भेजा गया? सवाल ये भी है कि जब पुलिस जानती थी कि तस्कर 2 जिलों की पुलिस को चकमा देकर आए हैं, तो फिर संध्या के साथ पूरा पुलिस बल क्यों नहीं भेजा गया? ये सवाल खुद संध्या के परिवार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिन पर पुलिस अब जांच की बात कह रही है। और दीदी अकेले गई थी वहाँ, उतना बड़ा जानकारी मिला, उतना बड़ा कि अपराधी आ रहे हैं, तो इस लड़की को भेजा वहाँ थाना में, वो तो गाड़ी में, ये तो गलत हो ना, भेजना चाहिए पूरा फोर्स को, या कोई गाड़ी आ रहा है कुछ तो उसको फोर्स भेजना चाहिए ना। ड्यूटी लगाई गई है और जिस भी प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसका हम लोग सीनियर लेवल से भी उसकी जांच कराएंगे। और बिना हथियार के भेजा गया था, जैसा मैंने बताया कि उसकी सीनियर लेवल से जो भी प्रक्रियागत चीजें हैं उसकी हम लोग जांच कराएंगे। पुलिस विभाग की लापरवाही भी दिख रही है।
लेकिन उन पशु तस्करों के हौसले कितने बुलंद होंगे जो ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर को कुचलकर मार दे रहे हैं। संध्या एक बहादुर अफसर थी। उनके अंतिम दर्शनों में सिर्फ पुलिस फोर्स ही भावुक नहीं थी, बल्कि संध्या को जानने वाले भी उनके अंतिम दर्शनों के बाद रो पड़े। पुलिस वालों पर जानलेवा हमले की तीसरी घटना गुजरात के आणंद से आई, जहां कल एक ट्रक को जब पुलिस ने रोका तो ट्रक वाले ने एक पुलिस कांस्टेबल को ही कुचल दिया और फरार हो गया। इसके बाद ट्रक वाला फरार हुआ तो पुलिस ने एक प्राइवेट कार से उसका पीछा किया। ट्रक वाले ने कार को भी टक्कर मारी। इसके बाद ट्रक छोड़कर वो फरार हो गया। आज पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस जानलेवा हमले में पुलिस कांस्टेबल राज किरण की मौत हो गई। और इसीलिए अब ये सवाल उठता है कि क्या इन पुलिस वालों की मौत ये नहीं बताती है कि इन अपराधियों में, इन तमाम बदमाशों में पुलिस का खौफ कम हो रहा है और मिलीभगत सिस्टम की। मास्टर स्ट्रोक में अब विश्लेषण श्रीलंका में तेजी से बदल रहे हालात और समीकरण की करेंगे। आज श्रीलंका की संसद ने रानिल विक्रमासिंघे को राष्ट्रपति चुन लिया, लेकिन इस ऐलान के साथ ही श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन की नई सीरीज शुरू हो गई है। जिस श्रीलंका में पिछले कई महीनों से राजपक्षे के खिलाफ नारे गूंज रहे थे, वहां अचानक रानिल गो होम की गूंज सुनाई दे रही है। इन सब के बीच एक तरफ रानिल ने श्रीलंका की कमान संभाली, दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन पार्ट 2 का ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब सवाल यह है कि श्रीलंका का आने वाले दिनों में होगा क्या? क्या वो जिस संकट में फंसा है उससे रानिल देश को बाहर निकाल पाएंगे, या श्रीलंका में एक नया संकट शुरू होने वाला है? पड़ताल इस रिपोर्ट में। If Rani Wickremesinghe becomes the president, I think that could be the beginning of a new wave of protests. 19 जुलाई 2022, ये श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों का 19 जुलाई का सेंटिमेंट था, लेकिन इसके 24 घंटे के बाद ही वही ऐलान हुआ जो प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर सुनना ही नहीं चाहते थे। गारु पार्लिमेंट मंत्री रानिल विक्रमसिंह मैतितुमा लैबी अति चांद संख्याव 134। श्रीलंका की संसद में इधर ये ऐलान हुआ और सड़क पर जारी विरोध प्रदर्शन की दूसरी सीरीज शुरू हो गई। इस सीरीज का एक ही नारा है, रानिल गो होम। देखिए तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो अभी तक गिने चुने प्रदर्शनकारी थे, अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उनके बीच में एक नाराजगी भी है। मनोज आइए तस्वीरें थोड़ी सी दिखाते हैं। देखिए अभी सिंगलीज भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन गो होम रनिल का जो नारा है वो यहाँ पर अब गूंज रहा है। एक छोटी बच्ची है, लेकिन उसके सिर पे भी जो बैंड है ना, गो होम रनिल का है। सो यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रनिल ऑल्सो नाउ? नो, रनिल गो होम। कुछ और समझ में ना आए, आए या ना आए, लेकिन रनिल गो होम के जो नारे हैं वो इस वक्त यहाँ पर निश्चित तौर पर देखे जा सकते हैं। राजपक्षे परिवार के आउट होने के बाद श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रनिल विक्रमसिंघे ही थे। बावजूद इसके वो संसद में बहुमत पाने में कामयाब रहे, लेकिन रनिल की जीत से अब जनता ऐसी बौखला उठी है कि पूरी संसद ही बदलने की मांग कर रही है। ये वो लोग हैं, कोई अपने दफ्तर से आ रहा है तो कोई जो है अपने किसी काम से निकला हुआ था, लेकिन जैसी जानकारी मिली वो सब यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। Would you like to say something about the Ranil because he is a new president again? Nothing has to say, just he has to go home. They need to go home. Who? Ranil? All 225. All 225? Yeah. श्रीलंका में राजपक्षे परिवार अब तक सबसे ताकतवर माना जाता था, लेकिन जब जनता के गुस्से की ज्वाला भड़की तो उसे गद्दी ही नहीं देश भी छोड़ना पड़ गया। इस जीत से प्रदर्शनकारियों के हौसले भी अब बुलंद हैं और वो रनिल को भी गद्दी से हटाने की अब जिद पर अड़ गए हैं। We have repelled Gotabaya Rajapaksa, who was member of the Rajapaksa regime. He was the Secretary of Defense. He has committed many crimes. So if we manage to overthrow that kind of a ruler, I think overthrowing Rani would be relatively easy thing.
श्रीलंका में अब तक जो प्रदर्शन आर्थिक संकट और राजपक्षे परिवार के खिलाफ था, अब वो पूरी तरह से रनिल के खिलाफ हो गया है। पुराने सारे नारे खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ रनिल गो होम का ही शोर है। गो होम गोटा के बाद में देखिए, गो होम गोटा तो यहाँ था। नारिया रनिल गो होम, रनिल इज चोर, पार्लियामेंट मिनिस्टर चोर, रनिल अच्छा 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 नहीं है। लेकिन उनको तो डेंजर में है, लेकिन उनको तो संसद ने चुना है। नहीं है, उनको तो पार्लियामेंट ने वहाँ पर इलेक्ट किया है। पार्लियामेंट आएगा ना, ये पार्लियामेंट पूरा है ना, अभी पीपल नहीं ना जाएगा। रनिल के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सिर्फ नारे ही नहीं बदले हैं, बल्कि प्रदर्शनकारी अब अपनी रणनीति भी बदलने जा रहे हैं। श्रीलंका के आंदोलन के कुछ प्रमुख चेहरों में से एक विशाखा है। विशाखा से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि अब रनिल गो होम की मुहिम गांव-गांव तक पहुंच जाएगी। The protest will continue in a different form in Sri Lanka, because if we are getting ready for a general election, we have to go to the village and we have to speak to the people, we have to be with them and we have to acknowledge them what is happening. एक तरफ रनिल विक्रमासिंघे के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद कोलंबो की सड़कों पर कोहराम शुरू हुआ है, दूसरी तरफ रनिल विक्रमासिंघे ने राष्ट्रपति के तौर पर कामकाज शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने सेना और पुलिस के अफसरों से मुलाकात कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया। श्रीलंका की इस ग्राउंड रिपोर्ट से आप ये समझ सकते हैं कि अब लंका रनिल विक्रमासिंघे को हटाने पर अड़ गई है। इस विरोध की वजह समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि विक्रमासिंघे राष्ट्रपति बने तो बने कैसे। 9 मई 2022 को प्रदर्शनकारियों के दबाव में महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। 12 मई को गोटाबाया राजपक्षे ने रनिल को कार्यवाहक पीएम की शपथ दिला दी। 14 जुलाई को गोटाबाया राजपक्षे ने खुद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अगले दिन रनिल विक्रमासिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। अब आज श्रीलंका की संसद ने रनिल विक्रमासिंघे को राष्ट्रपति चुन लिया है। अब तक श्रीलंका में प्रदर्शन के निशाने पर राजपक्षे परिवार था, जिसके सत्ता से बाहर होने के बाद विक्रमासिंघे को कमान मिली है, लेकिन प्रदर्शनकारी इनके भी खिलाफ है। क्यों? अब ये समझिए। प्रदर्शनकारी रनिल विक्रमासिंघे को राजपक्षे परिवार का नजदीकी मानते हैं, लॉयलिस्ट। वो इस परिवार के करीबी रहे हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में तो रनिल गोटाबाया राजपक्षे के वकील भी रह चुके हैं और महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद गोटाबाया ने ही उन्हें अंतरिम पीएम बनाया। प्रदर्शनकारियों को आशंका है कि रनिल सत्ता संभालने के बाद राजपक्षे परिवार के गुनाहों को छिपाएंगे। रनिल का प्रदर्शनकारियों का विरोध होना भी एक बड़ी वजह है। पहले ही प्रदर्शन करने वालों को फासिस्ट वो करार दे चुके हैं। उनके ही आदेश पर आपातकाल घोषित करके प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की गई थी। तीसरी वजह है भ्रष्टाचार के आरोप। विक्रमासिंघे पर बैंक बॉन्ड स्कैम नाम के घोटाले का आरोप है। इसके अलावा रनिल तानाशाही रवैये के लिए भी बदनाम है। रनिल विक्रमासिंघे को श्रीलंका की संसद ने अपना नेता चुन लिया है। प्रदर्शनकारियों ने देश का नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि श्रीलंका के नेताओं को रनिल से उम्मीदें काफी हैं। He has been doing politics for the last 45 years, and for 28 years he was the leader of one party, but who never become a president. So this is fate. I think it's fate, and the country is in a situation where only Rani Wickremesinghe can take it out, and everybody believes that. रनिल के लिए इस विश्वास की बड़ी वजह है उनका अनुभव और उनके रिश्ते। रनिल विक्रमासिंघे अलग अलग समय में 5 बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय का भी अनुभव है। देश के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा उप विदेश मंत्री के साथ युवा और रोजगार मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। तो इस तरह उनका करीब 45 साल का राजनीतिक अनुभव बनता है। इन सब के बावजूद इस बार जनता उनके खिलाफ दिख रही है और वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर हैं और देश मुश्किल में। ये हालात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है। मैं राटादती ने बुतमाट किया अंटो मना ने कोचर अमारु तत्व के दकील आर्थिक वासें राटे तारुन तारुन यान क्रमे वेन सक्कील लेनो अपिट विदेश वासें अदे लोके प्रश्न गणनावत्य अंटे पेटलेन नतु अपि अन्नती ने आंडवा क्रिया करन्नो ने। श्रीलंका वैसे तो हमेशा से भारत के बेहतरीन पड़ोसियों में से एक रहा है,
लेकिन गोटाबाया राजपक्षे के दौर में उसकी चीन से नजदीकी बढ़ गई। लेकिन अब रानिल विक्रमासिंघे के लिए कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के बेहद करीबी हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी के वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ऋषि सुनक 5वें राउंड में 137 वोट मिले हैं। अब ऋषि के मुकाबले सिर्फ लिज ट्रस ही बची हुई है। 5वें राउंड में सुनक को 137 वोट मिले हैं, बहुत नजदीक है सुनक अब प्रधानमंत्री की उस कुर्सी पर। ब्रिटेन में इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है। लिज ट्रस ने 113 वोट हासिल किए हैं, दूसरे नंबर पर लिज ट्रस ही हैं, लेकिन अभी इस दौड़ में सबसे आगे हैं ब्रिटेन की पीएम की कुर्सी के सबसे नजदीक है ऋषि सुनक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।